वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आया हुआ है स्नीक पिक 2। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या है डिटेल्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू कैरेक्टर हु इज़ रिलेटेड टू मेडुसा एंड क्रिस्टल। एक तो क्रिस्टल जो है, उसके पास फायर एलिमेंट, कोल्ड एलिमेंट, उसके बाद में रॉक एलिमेंट और शॉक एलिमेंट है घर से थोड़ा सा, तो वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, सभी लोग लगा रहे हैं कि जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो फैंटास्टिक फोर का ही है, और ये कन्फर्म हो चुका है। 80% चांस कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद में मेडुसा, मेडुसा के पास जो पावर्स है, एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं अभी उसके नए यूनिफॉर्म के बारे में तो ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कि 50% एनर्जी अटैक यूनिवर्सल टाइप कैरेक्टर के लिए ऐसा कुछ इसका लीडरशिप है। तो मेरे ख्याल से फैंटास्टिक फोर में भी ऐसे कुछ होने वाला है कैरेक्टर का लेना देना, देखते भी क्या होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इनविजिबल वूमन रहेगी, कम से कम उसका जो स्किल्स है या फिर वो जिस टाइप की कैरेक्टर रहेगी या जिस लेवल की वो कैरेक्टर रहेगी, उसके स्किल्स, उसके लेवल्स, उसके डैमेज मेडुसा से कई गुना ज़्यादा अच्छा बेटर रहना चाहिए। उसी नाम की इनविजिबल वूमन नहीं रहना चाहिए, उसका डैमेज लेवल, उसका पावर लेवल, उसका स्किल्स, मोमेंट्स, सब कुछ, एवरीथिंग अच्छा से अच्छा होना चाहिए। मतलब मेडुसा से रिलेटेड, मेडुसा से जैसा कॉपीकैट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे लिए बहुत बुरी खबर रही है, क्योंकि हम लोग इनविजिबल वूमन का एक आईफ्रेम वाला एक बहुत अच्छा कैरेक्टर दे सकते हैं हम लोग। लेकिन अब देखते हैं वो स्पीड टाइप में आएंगी कि कॉम्बैट में तो मुश्किल नहीं है, ब्लास्ट में आती है कि स्पीड में आती है, ये तो अभी अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा। तो अकॉर्डिंग माई इन्फॉर्मेशन सोर्स और न्यू कैरेक्टर क्लोज फ्रेंड ऑफ मेडुसा एंड क्रिस्टल, कैन यू गेस दिस इज अ साइंस ऑफ अ कैरेक्टर एसोसिएटेड विद दिस हीरोइक वूमन, विल बी बैक अ लेटर विद न्यूज रिकॉर्डिंग अपडेट स्टेट ऑन। यहाँ पर पक्का कन्फर्म हो चुका है कि ये जो अपडेट आने वाला है, नेक्स्ट अपडेट, वो फैंटास्टिक फोर से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का, कुछ प्लेयर्स ने मुझे बताया था कि कम्युनिटी टैब में कि जो दो कैरेक्टर है इनका इंट्रोड्यूस सबसे पहले फैंटास्टिक फोर में ही किया गया था, ये दो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस। तो ये बहुत रिलेटेड यानी कनेक्टेड कैरेक्टर है, तो कन्फर्म हो चुका है कि फैंटास्टिक फोर अपडेट आने वाला है नेक्स्ट। और वो जो अपडेट होगा ये कैसे एपिक कास्ट में होगा, शायद हो सकता है, अब देखते हैं अभी क्या होगा। मैं बैक ले लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ बता देता हूँ, सॉरी मैं बाद में बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि अब अलायंस मेरे इसमें तो जगह नहीं है, 40-40 फुल हो गया है, तो आपको अगर अलायंस चाहिए बहुत बेहतरीन और एबीएक्स के लिए, एसी के लिए, अलायंस कॉन्क्वेस्ट के लिए, ये अलायंस अगर आपको चाहिए, नहीं आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, आपके पास एबिलिटी है, तो ये आप अलायंस ज्वाइन कर सकते हो। नाम है अलायंस का स्टाइलिश क्लब, देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे, स्पेलिंग का स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पर नीचे में नोटिस दिया हुआ है उनका, जो उनके रूल्स है, रेगुलेशन है, वहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और अलायंस रिक्वेस्ट भेजो, वो उनके हिसाब से जैसा उन लोगों को ठीक लगेगा कि नहीं ये बंदा पावरफुल है, तो वैसा उन लोगों को वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन अलग है, मेरे अलायंस के रूल रेगुलेशन अलग है, ठीक है। तो देख लो अभी, कॉन्टैक्ट कर लो उनसे, उनके अलायंस का नाम है स्टाइलिश क्लब, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा वाइट डॉट नहीं है यहाँ पर, वरना मैं आपको दिखा देता शॉर्ट टचेस करके, ठीक है। तो स्टाइलिश क्लब में अगर आपको ज्वाइन होना है तो हो सकता है, वहाँ का लीडर जो है उसका नाम है राज राजक 12, जो कि मेरे अच्छे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, मेरे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर में से एक है, नंबर है 7। तो जाकर कांटेक्ट कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, अलायंस में रिक्वेस्ट भेज दो, जो उनके हिसाब से जो उनको सही लगेगा उनको वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो दूसरी एक न्यूज़ देता बाद में। हाँ, एक बंदे ने बोला था, मैंने इमेज अपलोड किया था कम्युनिटी टैब में, तो एक बंदे ने बोला था कि आपने यूनिफॉर्म टिकट का इस्तेमाल करके स्कारलेट विच को मैथिक यूनिफॉर्म मैथिक किया है क्या। तो ये इस पे हम लोग, मैं बता देता हूँ, जो ऑलरेडी टायर 2 कैरेक्टर है, जो हमें ऑलरेडी टायर 2 करके मिलते हैं, ऐसे कैरेक्टर में हम लोग टिकट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो रैंक अप टिकट हो, चाहे वो मास्टर टिकट हो, ऐसे कैरेक्टर में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे कैरेक्टर को करने के लिए मेरे को एंटी मैटर का जो सोर्स है उसको अपग्रेड कर करके अलग अलग एंटी मैटर का शेप देकर मुझे यूनिफॉर्म
मिथिक करना पड़ा। इसके अंदर एक्सपी चिप भी मुझे इस्तेमाल करनी पड़ी, तब कहा जाके ये मिथिक हुआ। और अभी हाल ही के दिन में, 2-3 दिन में मैंने मिथिक किया। इवन वहाँ की स्टेज क्लियर नहीं होती थी, इसलिए मैंने मुझे मिथिक करना पड़ा ऑल एडक वगैरह बाकी का सिस्टम बढ़ाने के लिए। यहाँ पर इसका एनर्जी अटैक है 24,034, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़े, उसके बाद कहाँ जाके हुआ। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी खबर। हाँ, तो यहाँ पर मेरे कम्युनिटी टैब में मैं आपको लेकर आया हूँ, यहाँ पर देख लो। यहाँ पर मैंने स्नीक पिक 2 का डाला था, यहाँ पर इमेज भी डाला था और 2-3 मैंने चीज़ भी डाला था। तो यहाँ पर देख लेते हैं बाकी प्लेयर्स के कमेंट्स हैं यहाँ पर, तो वो थोड़ा देख लेता हूँ। फंटास्टिक फोर इज़ कमिंग, दे हैव अ रिलेशन विद फंटास्टिक फोर। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत से प्लेयर्स ने कहा है कि फंटास्टिक फोर आने वाला है, और ये प्रूफ हो चुका है। हाँ, अभी बात रही डॉक्टर डूम की और सिल्वर सर्फर की, दो कैरेक्टर कैसे आएंगे गेम में, क्या उसके कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे, उसके स्किल्स कैसे रहेंगे, उसके पावर लेवल कितना रहेगा, कितना डैमेज रहेगा, ये अभी गेम में आने के बाद यानी अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा। अपडेट कब है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से स्नीक पिक जल्दी जल्दी अगर आए, समझो जल्द से जल्दी, तो उस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा पाऊँगा कि स्नीक जो नेक्स्ट अपडेट है वो कब आएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अपडेट के चक्कर में मालूम है क्या, हमेशा ये डेवलपर कुछ ना कुछ गलती करते हैं। गलती नंबर एक ग्राफिक, वो हमेशा का एक इनका प्रॉब्लम है ही। मैं हमेशा कंप्लेंट करता हूँ, लेकिन ये कंप्लेंट को इग्नोर कर रहा है। मैंने कहा था कि उनको लो जो क्वालिटी है और जो वेरी लो क्वालिटी है, वो दोनों में डिफरेंस करे, वापस से उसको ठीक करे जैसे पहले था, तो वो ठीक नहीं कर रहे वापस से, वो मीडियम पे मुझे लाकर रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, तो वो भी ठीक नहीं कर रहे लोग। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये लोग अपडेट डालते हैं, अब जैसे कुछ कुछ अपडेट इन्हें जल्दी लाने के चक्कर में, जैसे जायंट बॉस रेड GBR, उसके जो नेट कनेक्टिविटी बोल सकते हैं या सर्वर बोल सकते हैं, वो उतना ज़्यादा हैवी और लैग करता था स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा लैग करता था। अभी उतना नहीं कर रहा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा करता था, तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो गया था। हाँ, एक और इमेज डाला था मैंने यहाँ पर, अब देखते हैं इनका अपडेट आराम से करे तो बेहतर रहेगा, उसमें एक एक जो भी इनके चेंजेस करेंगे, न्यू चेंजेस करेंगे या पुराने जो इम्प्रूवमेंट है वो करेंगे, तो ठीक तरीके से करे तो अच्छा रहेगा। जल्दी के चक्कर में गड़बड़ ना करे अपडेट लाने के चक्कर में, बस वही एक थोड़ा सा एक्सपेक्ट है गेम डेवलपर से। गैलेक्टस इज़ द बेस्ट बाय, नेक्स्ट अपडेट के बारे में क्या है, हिंदी लिखने समझ नहीं आ रहा है। ये मैंने हिंदी नहीं लिखा है, वो जो मार्वल फ्यूचर फाइट थाईलैंड वाला जो फेसबुक पे एक पेज है, उन्होंने यह डाला हुआ है और मैंने इसको ट्रांसलेट किया था हिंदी में, तो हिंदी में ये ऐसा कुछ लिख कर आया हुआ है। मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया। अब कुछ ऐसे वर्ड्स है जो समझ में नहीं आते, बहुत ही उच्च स्तरीय हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, इसलिए ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहे। मार्वल ने 4 सभी नए रहस्य विसंगत यानी विसंगतियाँ यानी वो उनका कोई रिलेटेड के साथ शुरू किया गया होगा, कयामत के हेराल्ड। अब ये कयामत का क्या हेराल्ड है, क्या मतलब, कुछ सेंटेंस होंगे कि मैं कैसा वर्ल्ड होगा कोई, उसके साथ शुरू हो रहा है। शानदार 6 #6 में डेना स्लॉट और हारूर उदोर द्वारा इस घटना का रहस्य उपरोक्त संदेश से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तरीय हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है जो हमारे खोपड़े में नहीं घुस रहा है। ठीक है, दूसरा अभी क्या डाला था मैंने यहाँ पर, ठीक है, अनलाइंस का मैंने बता दिया। अनलाइंस चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपको जो सही लगे वो आप कर लेना। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।